जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले शक्ति विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ते कोरोना की संख्या को देखते हुए शक्ति के कांति कुमार महाविद्यालय को कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष सुषमा दादू जसवाल ने कॉलेज पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया व आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जांजगीर चांपा जिले के शक्ति थाना क्षेत्र के केरा रोड के पास डबरी तालाब में मछली पकड़ने गए 23 वर्षीय युवक की डूब कर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक को तैरना नहीं आता था। मछली पकड़ने के दौरान टीम से फिसल जाने से डूब गया और उसकी मौत हो गई। ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार मिल सके, इसी उद्देश्य को लेकर केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है और इसके तहत ग्रामीण इलाकों में तालाब गहरीकरण सहित अन्य रोजगार मूलक कार्य मजदूरों के माध्यम से कराया जाता है, जिससे मजदूरों को रोजगार प्राप्त होता है। लेकिन काम के बाद मजदूरों को उसका भुगतान नहीं होना उन्हें प्रताड़ित करने के समान लगता है। खरसिया क्षेत्र में शुक्रवार की शाम पति से हुए मामले विवाद को लेकर एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी थी। ग्रामीणों ने एक बच्ची को तत्काल बचा लिया था, वहीं माँ और बेटे की तलाश की जा रही थी। मंगलवार को ग्राम रेलो के पास बच्चे का शव प्राप्त कर लिया गया है। वहीं ग्रामीणों के कहे मुताबिक आसपास माँ का शव भी देखा गया है, जिसकी तलाश जारी है। सरिया क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण कई छात्र छात्राएं मेरिट लिस्ट में नाम होते हुए भी कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाए हैं। इसी बात को लेकर NSY टीम ने शासकीय नवीन महाविद्यालय सरिया में प्रवेश की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन। रायगढ़ जिले से 12 बच्चों में से 11 परीक्षार्थी बिलासपुर व एक परीक्षार्थी रायपुर के लिए वाहन से रवाना हुए हैं। शासन के निर्देशानुसार छात्राओं के साथ एक अभिभावक को भी जाने की अनुमति है, इसलिए आज रवाना हुए वाहन में छात्रा सोनल मिश्रा के साथ उसकी माँ भी बिलासपुर रवाना हुई है। वाहन से आने जाने व रास्ते के टोल टैक्स का सारा खर्च छत्तीसगढ़ शासन वहन करेगी। इसके लिए अभिभावकों से किसी भी तरह की राशि नहीं ली जाएगी। रायगढ़ जिले की साइबर सेल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 महीनों में गुम हुए 13 लाख कीमत की 101 नग मोबाइल को रिकवर किया था, जिसे SP संतोष कुमार सिंह ने लोगों को वापस दिया, जिससे गुमे मोबाइल को पाकर लोग गदगद नजर आए। देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन हो जाने के बाद रायगढ़ में भी कांग्रेसी नेताओं ने गहरा दुख प्रकट करते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।